और वहीं पांकी से बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। बीजेपी विधायक ने पांकी को अनुमंडल बनाने की राज्य सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि पांकी को अनुमंडल बनाने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज करने में लगी है। पहले के सत्र में भी आवाज उठाए थे और मांग किए थे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से एकदम लाजमी है कि इसको अनुमंडल बनना, लोगों के 60 किलोमीटर करीब जाना पड़ता है यहाँ से लोगों को, यह डालते हैं अपना प्रशासनिक काम के लिए। तो यह भौगोलिक दृष्टिकोण से यह जायज है, इसको अनुमंडल बनना चाहिए। और ये मांग है सो करीब 26 साल से पुराना मांग है सो जनता का है, और इसे बनने से लोगों को जो इच्छा है और आकांक्षा है वो पूरा होगा, और यह डिमांड है सो पूरा होना नितांत जरूरी। रामगढ़ के साकुल पंचायत में 1000 की आबादी वाला वाल्मीकि नगर का दलित टोला एक अदद सड़क के लिए मोहताज है। पतरातू प्रखंड मुख्यालय से केवल 1.5 किलोमीटर दूर बसे इस टोले के लोग आज तक सड़क का इंतजार कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से नाराज लोगों ने अब खुद ही श्रमदान के जरिए सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वाल्मीकि नगर दलित टोले का जायजा लिया संवाददाता जावेद खान ने। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के साकुल पंचायत के महादलित टोला वाल्मीकि नगर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहां सड़क नहीं है। आज़ादी के बाद से लोग श्रमदान से यहां सड़क बनाने को बाध्य हैं। यहां पर हज़ारों की आबादी निवास करती है। इन लोगों का कहना है कि हमारे वोट से सरकार बनती है, लेकिन हम लोग एक अदद सड़क के लिए भी आज तरस रहे हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों से सीधे बात करें, पहले एक महिला से बात कराते हैं। बताइए किस तरह की परेशानी होती है सड़क के कारण? यहाँ बरसात के दिन में पूरा गाड़ी उड़ी चलने का जगह नहीं रहता है, पूरा कादो हो जाता है। गाड़ी को चल चलता है तो पूरा सब फिसल फिसल के भी गिर जाता है। 40-50 साल होने चला है, आज तक रोड नहीं बना है। तो आप समझ सकते हैं ये बात कर रही हैं, जब यहाँ से यहाँ पर आई हैं तब से ये सड़क नहीं देख रही हैं। यहाँ पर लोग अपनी बेटियों को विवाह नहीं करना चाहते, ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं। एक और ग्रामीण से बात कराते हैं, बताइए सड़क के कारण किस तरह की परेशानी? मेरा नाम परमानंद हुआ और मैं यहाँ चाहता हूँ कि आज हमारे आज़ादी से मतलब होता 73वीं साल हो गई है, अब तक ना यहाँ पे होता है दलित हमारे यहाँ पे 1000 की संख्या में रहते हैं और यहाँ खाली वोट लिया जाता है और तमाम मतलब होता है सारी चीज़ होता है, बताया जाता है कि हम जितना भी योजना धरातल में लाने के काम करेंगे, और ये रोड ही एक ऐसा चीज़ है जो सारा चीज़ स्कूल से तो जुड़ा हुआ है। समझ सकते हैं वोट लेकर जाते हैं, लेकिन इन्हें बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सड़क भी मैसर नहीं है। एक और ग्रामीण से बात कराते हैं, बताइए किस तरह की परेशानी होती है? बताइए हम लोगों को यही परेशानी है यहाँ पे, बरसात के समय में हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, मेडिकल की सुविधा हम लोग को नहीं मिल पाती है। कोई गाड़ी अगर एम्बुलेंस हम लोग मंगाते हैं ब्लॉक से तो हमारे यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, इसके कारण हमारी जो भी बीमार व्यक्ति रहते हैं उनको सही जगह नहीं पहुंचा पाते। आप समझ सकते हैं सरकार का इंतजार देखते देखते अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते यहाँ के लोग श्रमदान कर सड़क बनाने को बाध्य हो रहे हैं। आप कैमरे के नज़र से देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर के लोग सरकार का इंतजार करना अब छोड़ चुके हैं और सड़क बनाने के लिए खुद सड़क पर आ चुके हैं। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। कोयले खनन पर नहीं लग रही रोक। बरोरा थाने के पास खुला अवैध मुहाना। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 18। अगर यहां मौतें होती हैं और जिस तरह से बोरों की संख्या है इसको देखकर कहा जा सकता है हजारों बोरों में मिला अवैध कोयला। अवैध कारोबार से क्यों अनजान है पुलिस? क्या हादसे का हो